हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन ग्लोरी पर। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये हमने कुछ ठंडी में फूल के पौधे लगाए हैं। तो देखिए, जैसे ये है कॉसमोस, एक कैलेंडुला है, ये डहेलिया है, और कुछ सब्जियों में टमाटर के पौधे, और ये शिमला मिर्च के पौधे हैं, और ये हैं कुछ लगाए इसमें हरी मिर्ची और बैंगन, और कुछ और पौधे लगाए हमने, जैसे पिंसी, कलरफुल पिंसी है, अब दिखाता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों, ये है मल्टी कलर पिंसी, और ये है हमारा पिटूनिया। तो दोस्तों, ये जो आमतौर पर सभी लोग ठंडी में पौधे लगाते हैं, तो उसी के लिए आज हम इनके लिए लिक्विड खाद तैयार करेंगे, क्योंकि अब इनका जो लगभग 1 महीने पुराने पौधे हो चुके हैं, ये थोड़ा अभी 15 दिन पहले गए हैं पिंसी, तो इन्हीं के लिए हमने लिक्विड खाद बनानी है। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो सर्दी के फूलों के पौधे हैं, इनमें जो लिक्विड खाद डाली जाती है, तो उसके लिए हमने जो खाद बनाने जा रहे हैं आज, तो उसके लिए हमने जो क्या क्या लेना है वो आप देख लीजिए। देखिए, चूँकि ये फूलों के पौधे हैं, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका जो अवयव है वो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंगल सुपर फास्फेट। ज़्यादा फूल लाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। ये हमने लिया है 10 ग्राम, और दूसरा है पोटेशियम, ये फूल लाने के लिए बहुत बेहतरीन है, ये ग्रेनुअल फॉर्म में है, तो ये भी हमने लिया है 10 ग्राम। और एक फंगीसाइड, ऑर्गेनिक फंगीसाइड, ये है नीम की खली, ये हमने ली है 20 ग्राम। और ये लिया है हमने मस्टर्ड केक, यानी कि नीम की सरसों की खली, ये लिए 1/2 किलो। तो दोस्तों, रेशियो क्या रहेगा, 1/2 किलो मस्टर्ड केक, 10 10 ग्राम इसमें रहेगी पोटेशियम, और 10 ग्राम रहेगा हमने इसमें लिया है सिंगल सुपर फास्फेट, और 20 ग्राम लिए हमने नीम खली, एक फंगीसाइड कम करेगी। और इसको ये चारों आइटम जो भी हैं, इनको मिलाना है हमें 5 लीटर पानी में, 5 लीटर पानी इस बकेट में ले रखा है हमने, 5 लीटर पानी में गलाने के बाद 5-6 दिन के लिए इसमें इसको छोड़ देना है। 5-6 दिन में ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा अच्छे से पानी के अंदर, जिस चारों अभी अब अच्छे से घुल मिल जाएंगे, और इसके जो हानिकारक जो तासीर है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसे करना क्या है, सुबह शाम इसको हमें इस लिक्विड को हिलाते रहना है 2 टाइम्स, यानी कि सुबह शाम उस लिक्विड को हिलाना है हमें, और 5-6 दिन के बाद ये खाद तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं पहले से ही इस बकेट में ये तैयार कर रखी है, ये देखिए, ये लिक्विड खाद मैंने बना लिया है, ये चारों आइटम मिलाने के बाद ये लिक्विड खाद ये ऐसी बन चुकी है। इसी में सिंगल सुपर फास्फेट, मस्टर्ड केक, पोटेशियम और नीम खली, ये चारों आइटम मिलाने के बाद इसे 5-6 से 6 दिन हो गए, और ये इसमें पूरी तरह से तैयार है, खाद बन चुकी है हमारी, और इसको ऐसे हिलाते रहना है सुबह शाम। अब दोस्तों, इसको अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप इसको डायरेक्ट पौधे में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग खाद है कि आपके अगर आपने ये डायरेक्ट मिला दिया तो आपके पौधे को जला देगा, यानी कि आपका पौधा मरणासन्न हो जाएगा, मर भी सकता है। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं मिलाएंगे, अब इसको डायरेक्ट नहीं मिलाने के चक्कर में अब इसको हमको डाइल्यूट करना पड़ेगा। इसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करना है, इसका लिक्विड का 1 भाग और सादा पानी के 10 भाग, यानी कि सादा पानी में के 10 भाग में 1 भाग हमें ये लिक्विड खाद मिलाना है, तब ये खाद पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाएगा और ये पौधे में देने के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों, इस बकेट में हमने सादा पानी लिया है, ये 10 लीटर की बकेट में हमने 1 लीटर इसमें हमने ये वाला खाद मिला दिया है, 10 लीटर सादा पानी में और 1 लीटर ये खाद मिला दिया है, क्योंकि दोस्तों ये मैं पहले मिला चुका हूँ इसमें, और मैंने कुछ पौधों में अप्लाई भी कर दिया है ये वाला। देखो आप इसका कलर देखना, अब इसका ऐसा कलर है,
बहुत डार्क, ठीक है। अब इसमें हम मिलाने के बाद में इसका ये ऐसा लाइट कलर हो जाएगा, हल्का लाइट हो जाएगा। और अभी इसका कलर कैसा है देखिए, ऐसा ये बहुत डार्क है। इसको इस फॉर्म में डायरेक्ट पौधे में नहीं लगाना है, और लगाने के लिए क्या करना है, हमें एक 150 ml एक लब मान लो 6 इंच का पोट है आपका, 6 से 8 इंची का, तो आपको उसमें 100 से 150 ml देना है। और अब 12 इंची का पोट है तो उसमें 250 ml दे सकते हैं आप। और ये खाद में जो गैप रहेगा, एक बार खाद देने के बाद दोबारा जो खाद देनी है लगभग 15 दिन के बाद ही दोबारा खाद देनी है। और इस खाद का इस्तेमाल हम फूलों के प्लांट और सब्जियों के प्लांट में दे सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं पौधों में दिया जाएगा, और इसके बाद परमानेंट प्लांट में ना दें। और दूसरा सकुलेंट, ये खाद परमानेंट प्लांट और सकुलेंट प्लांट के लिए नहीं है, ये सिर्फ सर्दी में जो पौधे होते हैं ओनली, इसका इस्तेमाल सर्दी में ज़्यादा किया जाए तो बेटर है। सिर्फ फूलों के पौधे और सब्जी पौधों में यही अच्छा काम करता है, और ओनली ठंडी के मौसम में। इस गर्मी में इसे ना ट्राई करें, अगर आप गर्मी में ये खाद देंगे तो आपका पौधा मर जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी रहती है। उसके बाद ये जो खाद है लिक्विड खाद, ये बहुत हार्ड है, ये उस समय गर्मी में नहीं चल पाएगा, इसलिए इस ठंडी में इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अभी दिखाते हैं हमको कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो चलिए अपने पौधों के पास चलते हैं। तो दोस्तों हम पौधों के पास आ गए, हम अपनी नर्सरी में जो पौधे लगा रखे हमने गार्डन में, टेरेस गार्डन में, उनके पास आ चुके हैं। अब करना क्या है, ये 250 ml का गिला, ढाई ये वाला देखो, ये 250 ml का गिलास है, इसको हमें आधा कर लेना है। आधा गिलास करने के बाद में और एक पौधे में इसको ऐसे देना है, जड़ों में इसको ऐसे डाल देना है, क्योंकि ये मेरे जो प्लांट लगे हैं अभी 6 इंच के ये ग्रो बैग हैं, 6 से 8 इंची के ग्रो बैग हैं, इनमें आधा गिलास ही देना है, इसमें ऐसा करके आधा गिलास ही इसमें खाद को देना है। ऐसे करके आप सभी पौधों में आप अप्लाई कर देंगे तो आपको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आपके जो गमले हैं ना फूलों से भर जाएंगे, और आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छा कुछ अच्छा ट्राई किया है। तो दोस्तों ये इसका जो गैप है वो 15 दिन का रहेगा, 15 दिन के बाद दोबारा खाद दे सकते हैं। इसमें पहले ना ट्राई करें, 8 से 7 दिन में दोबारा मत देना, पौधे मर भी जाएंगे, मर भी सकते हैं, इसलिए इसे हम सब्जियों के पौधों में भी दे सकते हैं। जैसे इसमें जैसे आधा गिलास इसमें लेंगे, आधा गिलास, और ये हमारा ये टमाटर का पौधा है, ये वाला टमाटर का पौधा है, इसमें हम इसको खाद को ऐसे करके अप्लाई करें।